हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेचर गरिमा ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात हो रही है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो ये हम बना रहे हैं कस्टर्ड, केसर पिस्ता वाला कस्टर्ड। आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। फैमिली ठंडा ठंडा खाइए, फ्रिज में एकदम ठंडा करके। गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमें कुछ ठंडा खाने का मन रहता है, तो क्यों ना कस्टर्ड। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन रख दिया है मैंने, एक फुल क्रीम वाला। एक घर में जो हमारे दूध रखा रहता है, आप चाहे अमूल, सांची या कोई सा भी दूध इसमें ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने मेरे घर का ही दूध यूज़ किया है, फुल क्रीम वाला दूध है ये। तो मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसको अच्छे से फुल फ्लेम पर हम रख देंगे, उसे थोड़ी उबाली आने तक अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाते ज़रूर रहना है क्योंकि दूध किसी भी पैन में हम गर्म करें उबालें लेकिन लगने तो लगता है एक टाइम पर। तो बस मैं इसको चलाते चलाते थोड़ा सा अपना काम भी करती रहूँगी और चलाती रहूँगी। तो देखो एक उबाली आ चुकी है, दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, थोड़ा सा थिक होने लगा है। मैंने आपको ये बता ही दिए थे सारे जो मेरे पास जो अवेलेबल थे वो ड्राई फ्रूट लिए हैं और कुछ तो यहाँ पर मैंने केसर पिस्ता का पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं 4 टेबल स्पून लिया है मैंने। कुछ ड्राई फ्रूट भी हम कट करके डाल सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो बस कुछ एक गिलास भर के मैंने ठंडा मिल्क लिया है एकदम चिल। तो मैंने इसको अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, एकदम पतला सा घोल बना लिया है इसका। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको मैं अच्छे से चलाकर एकदम पतला सा घोल बना लूँगी इसका। इधर हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है। अब धीरे धीरे इसको हम, आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रीम भी आने लगी है। तो इसको धीरे धीरे हम इसमें ऐड करते चलेंगे और इसको चलाते भी चलेंगे साथ में। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम पूरा एक साथ नहीं डाला है। तो धीरे धीरे इसको मिलाते चलेंगे, एक साथ हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये उसका एकदम गंदा सा पेस्ट बन जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमें इसको माप के ही डालना है, ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये थिक होने लगा है, बस इतना ही इसको हमें थिक रखना है। तो बस बिल्कुल स्लो आंच पर हमें इसे पकाना है। कस्टर्ड डालने के बाद, पाउडर डालने के बाद बस तो आंच को हमें धीमी रखना है, नहीं तो ये नीचे लगने लगेगा और जल जाएगा, इसकी स्मेल बहुत गंदी आएगी। तो बस इसमें मैंने 2 इलायची, हरी इलायची कूट कर डाली है और साथ में इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी जो हमने कट करके रखे हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वह ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। केसर का, केसर डालती अगर इसमें, ये केसर का फ्लेवर है इसलिए, केसर पिस्ता का, इसलिए मैंने पिस्ता कम डाला है, ऑलरेडी पहले से ही है इसमें। अब इसमें थोड़ी सी मैं हम शक्कर ऐड कर देंगे, जितना हमारा पेस्ट है उसके हिसाब से हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट जो फ्रूट्स हम डाल रहे हैं वो भी मीठे हैं। तो बस इसको हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे, ड्राई फ्रूट हम अभी इसमें ऐड कर देंगे जिससे ये थोड़े से गल जाएंगे, साथ में ये थोड़े से बॉयल हो जाएंगे। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, अब इसको हम सर्व कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये मैंने कुछ 1 घंटे फ्रिज में रख दिया था, तो बस इस ये एकदम ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस था, एकदम गाढ़ा पेस्ट हो चुका है ये। अब इसमें हम अपने ये फ्रूट्स कटे हुए हैं जो रखे हैं वह इसमें ऐड कर देंगे इस टाइम। तो मैंने ये फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं अच्छे से,
अब कस्टर्ड को हम थोड़ा सा ठंडा रख कर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। गर्मियों में इस तरह से आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, आपको बाहर कस्टर्ड जो लाते हैं उससे अच्छा बेटर हम घर बनाएं और अब खाएं, बनाकर बच्चों को दें, बहुत टेस्टी बनता है, बनाकर आप ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब इस गार्निश के लिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ऐड कर दूंगी इस तरह से। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियां हो तो बस आप इसके ऊपर वह ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है गुलाब की पत्तियों से। तो बस मेरे पास घर का गुलाब था जो मैंने इसमें डाल दिया है, ऊपर से गार्निश कर दिया है इसको गुलाब की पत्तियों से।